तो क्या चल सत श्रीकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे बढ़िया स्टोरीज है तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले थगेश वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के कंट्रोवर्सी के बारे में। यहां गाइस इन तीनों के बीच में एक सीन हो गया है। बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ट्रिगर्ड इंसान के ये वाले स्टोरी से। उन्होंने कहा कुछ लोग सस्ते कॉपीड शो चलाकर खुद को बड़े फन्ने खास समझने लगते हैं एंड देन सिमिलरली उनके भाई फुकरा इंसान भी ये स्टोरी अपलोड किए। आज के बाद कोई भी शो वगैरह जाने से पहले 100 बार सोच के जाना होगा लोल। एंड आपको याद ही होगा रिसेंटली वो लोग दोनों थगेश शो में गए थे। तो ये स्टोरीज जब थगेश के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया। देख रहा हूं मैं स्टोरीज जो भी डली हुई है मेरे अगेंस्ट, जो भी बोल रहे हैं पीठ पीछे, जो भी स्टोरीज डाल के डिलीट कर रहे हैं, या सब समझता है। देख रहा हूं बात पहुंच जाती है, ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस को सब समझता है, तुरंत स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं भाई। क्लियर करूंगा, सब क्लियर करूंगा, बाय। इस सीन के ऊपर लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, आजकल के सो कॉल्ड रोस्टर्स दूसरों को रोस्ट करते करते खुद फेक कंट्रोवर्सी करने लगे हैं। भाई साहब पता नहीं यार एग्जैक्टली क्या हुआ है, हो सकता है बिहाइंड द सीन्स कुछ हुआ होगा, लेट्स सी क्या होता है आगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट एंड शाहरुख खान के बारे में। सो मिथपैट एंड शाहरुख खान का एक कोलैब आ सकता है। जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि मिथपैट काफी बढ़िया मिमिक्री करते हैं, स्पेशली शाहरुख खान का। एक क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। पप्पू याद है पप्पू कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। So yeah, apparently उनका ये मिमिक्री शाहरुख खान तक पहुंच गया एंड वो खुद उनको कॉल करके कुछ कहे। आप खुद देख लीजिए मिथपैट ने क्या कहा। Okay, you guys won't believe what just happened. मैं लिटरली अभी बाल धोके आया हूँ, गीले है बाल, एंड मुझे रैंडमली एक अननोन नंबर से फोन आता है एंड आई पिक द कॉल। गेस हु इट इज, शाहरुख खान। यस, आई कांट बिलीव उन्होंने एक्चुअली मेरी मिमिक्री का कोई तो वीडियो देखा एंड ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक आई डू गुड मिमिक्री एंड ही वांट्स टू मीट मी। आई कांट बिलीव, मुझे वो लिटरली मन्नत बुला रहा है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं काफी बढ़िया यूट्यूब अपडेट के बारे में। सो गाइस जल्दी आप एज अ व्यूअर भी यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। यहाँ लेबर लॉ एडवाइजर इससे रिलेटेड एक काफी बढ़िया वीडियो अपलोड किए एंड अप्रोक्सीमेटली आप वीडियोस देखते देखते कितना कमा सकते हो आप खुद देख लीजिए। यूट्यूब ने इंडिया में VRS व्यूअर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम का ट्रायल फेज आज से शुरू कर दिया है। जैसे आपको मालूम है यूट्यूब अपने रेवेन्यू में से 45% क्रिएटर्स को देता है, उसी तरह अब से 10% एड रेवेन्यूज व्यूअर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन शॉर्ट एड्स देखने से अब आपकी भी होगी कमाई। YouTube के CEO नील मोहन ने बताया कि VRS का बीटा 3 महीने से US में चल रहा था इन स्टेल्थ मोड। रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग है। YouTube का वॉच टाइम 100% से भी ज्यादा बढ़ा है US में और रेगुलर व्यूअर्स ने $200 पर मंथ तक कमाए हैं। मतलब इट्स विन विन फॉर ऑल। जो पूरी अर्निंग है वो मंथ एंड पर YT स्टूडियो ऐप में अपडेट होती है और $100 होते ही पेमेंट सीधा लिंक्ड बैंक अकाउंट में। USA से हमारे एक सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हो 104 वीडियो देखे गए हैं मार्च में और $23 लगभग ₹2,000 की कमाई हुई है। हाँ, इंडिया में जो ये रेट है वो थोड़ी कम होगी। चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, which is related to speed. So apparently speed is quitting YouTube. Yeah guys, आज वो अपने चैनल में वीडियो अपलोड करके इसको कंफर्म कर दिए, आप खुद देख लीजिए। I got so many problems going on, you know, and family problems and I just think it's just probably just too much for me. This is it. It's no more ISO speed anymore. बन गए ना। एक बार उधर देखो, आपके साथ एक प्रैंक हो गया है। जी गाइस, ये सारे स्टोरीज मेड अप थे एंड आपका अप्रैल फूल बन गया है। एंड झूठ मत बोलना भाई, ऊपर वाले देख रहे हैं। जो लोग अप्रैल फूल बने अभी के अभी सब्सक्राइब करो, अभी के अभी, मैं नहीं जानता यार। एनीवेज थैंक यू सो मच टू ऑल द क्रिएटर्स, उन्होंने मेरे को हेल्प किया ये वीडियो बनाने में। एंड यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक नॉर्मल न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मजा आ गया भाई।